मेरे दीदमतों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज एक बार फिर आपके सवालात का सिलसिला लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, पहली अनाउंसमेंट ये कि ये हमारा मोस्ट प्रॉबली ये जो हम हर हफ्ते सवालात करें आखिरी होगा ये हफ्तावार वाला सिलसिला। अब हो सकता है हम हर महीने में एक दफ़ा आपके सवालात वाला चीज़ करूँ, लेकिन अब चूँकि चीज़ें खुल रही हैं और सब कुछ नॉर्मल हो की तरफ जा रहा है, तो कोशिश ये होगी कि आप लोगों के लिए डिफरेंट और बेहतर कंटेंट लेके आया जाए ऑन द रेगुलर बेसिस। अच्छा, तो अगर आप लोग सवालात करना चाहते हैं तो ये जो सवालात हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर आप लोगों से लेता हूँ। बैम व्हील्स इंस्टाग्राम का पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप भी और फेसबुक पे क्लासिफाइड एड्स का ग्रुप भी मौजूद है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारा एक टिकटॉक का पेज भी, आप उस पर भी हमें जाएं तो फॉलो कर सकते हैं। उसकी भी आईडी जो है बैम व्हील्स ही है। तो विदाउट फर्दर अडू आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का जो सवाल है वो है हारिस सदीकी जीरो का, होंडा सिटी 1.3 ऑटो और मैनुअल। आई हैव ड्रिवन मैनुअल, नॉट श्योर अबाउट ऑटो, हाउ इज द पिक एंड स्टफ। फिर हारिस ही आगे पूछते हैं, होंडा सिटी 1.3 मैनुअल 2019, 8,000 किलोमीटर ड्रिवन, गेटिंग इन 2285 फुल ओरिजिनल, इज इट ओके, एनी सजेशंस। तो चीज़ ये हारिस के मैनुअल अगर आपको पसंद है तो आप मैनुअल की तरफ चले जाएं। ऑटो पे कन्वीनियंस ज़्यादा होती है, थोड़ी सी फ्यूल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, और उसके अलावा जो है आपका क्या बोलते हैं पिक भी थोड़ा सा मैनुअल पे ही है, क्योंकि आप एक गियर में उसको ज़्यादा शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक हायर आरपीएम पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर फील हो जाती है। और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आपको जो गाड़ी मिल रही है 8,000 चली हुई, भाई साहब 33,000 रुपये में, तो देखने में तो प्राइस मुनासिब लग रही है, मतलब नई गाड़ी से आपको अच्छा खासा डिफरेंस लग रहा है। मेरे हिसाब से मुनासिब प्राइस ही लग रही है। फिर है अवेस 19650, इस सुजुकी स्विफ्ट अ गुड कार फॉर लॉन्ग ड्राइव 300 किलोमीटर्स में मैनुअल। बिल्कुल, लोग क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे 660 सीसी गाड़ियों पे और 800 सीसी गाड़ियों पे इतना सफर करते हैं, तो 1300 सीसी गाड़ी मेरे नहीं ख्याल के इसमें मसला होना चाहिए। खालिद नदीम 92, WE90 SE लिमिटेड कैसी गाड़ी है और साफ सुथरी गाड़ी कितने तक मिलेगी? अच्छा, WE90 है जो कि 88 और 90 की करोला होती थी। गाड़ी बहुत अच्छी है अपने वक्त की, थोड़ी पुराना टाइम अब हो गया, लेकिन आज भी मैंने देखा है कि लोग उस गाड़ी के 6-6 8-8 12-12 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जो आपकी गाड़ी है वो कितनी अच्छी है और उसको बेचने वाला कितने पैसे मांग रहे हैं। स्काई इज द लिमिट। फिर मियाँ तैयब 85 पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वीगो थाईलैंड 2013 मॉडल लाहौर रजिस्टर्ड कितने में होनी चाहिए है, 50 डिमांड कर रहा है। लेटली इन गाड़ियों की कीमतें काफ़ी ऊपर गई हैं। कराची की मार्केट में 2013 की वीगो भी कोई 45 लाख रुपए के आसपास है, तो 50 डिमांड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 45-46 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इब्राहिम अहमद इब्राहिम रफ़ी पूछते हैं, प्राडो 2002 2008 TZ 3.0 डीजल वर्सेस TZ 3.4 पेट्रोल। पेट्रोल वाली, लेकिन जो 3.4 पेट्रोल है वो 2004 तक आई थी, उसके बाद उन्होंने जो है इंजन चेंज किया था, तो 4000 पेट्रोल वाली उसके बाद आई है। तो जो आपको 2004 से 2008 के दौरान में 4000 पेट्रोल मिलेगी, 3.4 नहीं मिलेगी। पेट्रोल ले लें तो ज़्यादा मेंटेनेंस पे आसान है और यहाँ पे रीसेल का जो फैक्टर है उसमें ज़्यादा आपको बेहतर रहेगी। शाहरुख पूछते हैं, आई वॉन्ट अ कार बिटवीन 19 to 22 लैक्स, अ सेडान, हाउ टू गो अबाउट इट। करोला जो आपकी 1.6 ऑटो है पुराना वाला शेप, एक वो आपको मिल जाएगी, 1.3 ऑटो नया शेप मिल जाएगी, मैनुअल करोलाज आपको मिल जाएंगी और सिविक भी मिल जाएगी आपको जो ट्राइवन कहलाते हैं। तीनों गाड़ियों के ऑप्शन है, आप देखो आपको इतने जो गाड़ी बेहतर कंडीशन में मिले, मेंटेनेंस वगैरह में सब गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है, जो कंडीशन बेहतर मिले वो ज़्यादा अच्छी ले लेना। लीमी जी आई डी पूछते हैं, स्विफ्ट 2012 वर्सेस सिटी 2009 सिटी। फिर इसके बाद ओमर के 111, वुड लव टू सी रिव्यूज ऑफ मॉडिफाइड कार्स विद इंजन स्वैप, एनी वेज लव योर वर्क।
थैंक यू सो मच। और इस तरह ही गाड़ियों के हम बीच बीच में लाते हैं रिव्यूज, आप देखें आपको मिल जाएंगे। रेयर फैजान ड्रीम कार W126 मर्सिडीज, और अगर SUV में बात हो रही है तो लैंड क्रूजर 60 सीरीज। दैट्स मिस्टर हमजा, सिटी एस्पायर 1.3 ऑटोमेटिक कैसी गाड़ी है? बहुत अच्छी गाड़ी है, आप कैसे हैं? तला अथर 17, अगर कार का एक टायर खराब हो जाए तो सारे टायर चेंज करवाने चाहिए या सिर्फ एक? सिर्फ एक टायर भी आप करवा सकते हैं, मसला है। तजम्मुल बलोच पूछते हैं, विच कार वुड बी गुड इन 18 लाख बजट, स्विफ्ट 2018 और एल्टिस 1.10-11, या फिर कोई आप सजेस्ट करो। 18 लाख रुपए में 1.8 एल्टिस जो है वो 2.10-11 वाली, वो मेरे हिसाब से काफ़ी महंगी है। लेकिन हाँ, आप सिटी देख सकते हो इतने पैसों में, और आप क्या उसे कहते हैं, करोला का थोड़ा नया मॉडल 1.3 या 1.6 अगर मिल जाए तो वो देख लें, वो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन होगा इसके मुकाबले में। फिर तला अथर पूछते हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन ह्युंडई टस्कन? अभी तक गाड़ी मैंने फिजिकली जाके देखी नहीं है, डीलरशिप पे बहुत ज्यादा रश था तो अभी तक कुछ कह नहीं सकता हूँ। ऑन पेपर स्पोर्टेज और टस्कन मोर और लेस एक जैसी गाड़ी है। गुलाम मोहम्मद, प्लीज डू अ रिव्यू ऑफ VX Z8 व्हेन पॉसिबल। बिल्कुल कर लेंगे जी। उजैर AK अंडरस्कोर, ओनर्स रिव्यू करें सर स्विफ्ट ऑटो का, विद माई स्विफ्ट ऑटो, उन्होंने आगे ये भी लिखा है। स्विफ्ट ऑटो मेरे खुद के पास भी है। द कार ऑब्सेस, इज फॉर्चुनर अ गुड कार? जी बिल्कुल। 5503, 2005 होंडा सिटी और 2012 सुजुकी कल्टस, विच वन इज बेटर? यार अगर ढंग की गाड़ी मिल जाए नॉन एब्यूज तो सिटी। चौधरी फर्रुख हयात खोखर, आज आपका सवाल नाम मैंने बिल्कुल सही से लिया है। योर चॉइस, लैंड क्रूजर और टोयोटा प्राडो एज डेली ड्राइवर? लैंड क्रूजर। फिर इन्हीं का दोबारा, योर चॉइस टोयोटा कैमरी और एनी जर्मन कार एज डेली ड्राइवर? कैमरी। इसुजु डी मैक्स और रिवो एज डेली ड्राइवर? डी मैक्स कम्फर्टेबल ज़्यादा है, रिवो जो है वो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बेहतर है, तो अगर रोज चलानी है तो कम्फर्ट डी मैक्स। योर लव, जैपनीज कार्स और जर्मन और कोरियन? जर्मन। इतने सारे सवाल कर लिए चौधरी साहब, और आज आपका मैंने नाम भी सही से पढ़े तो अभी बताएं लेके कौन सी दे रहे हैं, मतलब बंदा ऐसे पूछता तो फिर कुछ दिलाता है, ऐसा होता है। खैर, बिलाल अली .com, न्यू ऑल्टो और सुजुकी हसलर, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड रीसेल वैल्यू? ऑल्टो बिकॉज लोकल बन रही है। सईद लियो 1, इज कोडे 2004 अ रिलायबल कार फॉर होम यूज एज कम्पेयर टू मैरान 2013 यूरो 2? प्राइस रेंजेस 5 लाख रुपए। यार अगर आपको 2013 की मैरान मिल रही है तो आप उससे 9 साल पुरानी और आज से 16 साल पुरानी कोरे क्यों लोगे इतने पैसों में? मैं मेहरान सजेस्ट करूंगा। रितेश कुमार के, व्हाट डू यू थिंक, प्राइस ऑफ यूज्ड कार विल इंक्रीज मोर लाइक दे आर नाउ? बिल्कुल आगे और कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी तो पुरानियों की भी कीमतें बढ़ेंगी। शाहजेब असलम 895, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जीप प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी की कुछ अपडेट्स और आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शाहजेब असलम 985, डू अ प्रोजेक्ट ऑन एन ओल्ड सेडान कार? बिल्कुल, उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बिल्कुल बहुत जल्द शुरू, लाइक ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं फिर। मोहम्मद यूसुफ, स्पोर्टेज वर्सेस टस्कन? यार अभी आई है तो मतलब अभी तो मैंने जाके देखी भी नहीं है, तो आई कैन नॉट से स्पोर्टेज वर्सेस टस्कन में कौन सी बेहतर प्रेफरेंस होगी। गाड़ियां रोड पे हैं, जाके चेक करें तो फिर पता चलेगा, लेकिन ऑन पेपर दोनों गाड़ियां सेम लग रही हैं, तो ऑन पेपर दे आर द सेम कार्स, बस डिफरेंट शक्ल है। मोहम्मद यूसुफ पूछते हैं, टोयोटा CHR के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इट्स अ क्रॉस ओवर, तो सही है। BBB17999, आई सॉ A5 एंड 2 सीरीज ऑन 20, 2 सीरीज इज वे बेटर एंड प्लस अ ड्राइव इज वे बेटर। ओके। फराज अली सर, 2011 GLI 1.3 सिल्वर कलर 2 पीस टचअप 67,000 ड्रिवन इन 16 लाख, शुड आई गो फॉर इट और नॉट, योर एडवाइस? डिपेंड करते हैं कौन से 2 पीस हैं, अगर कोई साइडों के 2 पीस टचअप हैं तो, और मेजर फ्रेम हिट नहीं है तो हाँ,
बुरी डील नहीं है। कंफ्यूज बिटवीन जीएलआई 2013 और स्विफ्ट 2016 एज प्राइस सेम, ये शाहजेब 26 2013 की करोला। वसीम जान 24, रीसेंट प्राइस ऑफ ग्रैंडेड 2015 इन गुड कंडीशन, 25 लाख रुपए के आसपास। फेजी 9813, मर्सिडीज C180 2017 वर्सेस ग्रैंडेड 2019 ड्रैग रेस, विच वन विल विन? यार कहाँ से लाते हो भाई? ये गाड़ियाँ ड्रैग रेस के लिए बनी नहीं है वैसे तो, लेकिन पावर टू वेट रेशियो ग्रैंडे का बेहतर है। फिर राठौड़ वहाब, मेरा सवाल ये है कि जो बोलान इतनी छोटी रूफ वाली है, ये किस नाम से आती थी और इंपोर्टेड है? वो बहुत पुरानी आती थी, उसको सुजुकी कैरी बोलते थे, मेरे ख्याल में अर्ली 80s और लेट 70s में आती थी, और उसका टू स्ट्रोक इंजन होता जैसे डक करके आवाज आती थी। अब्दुल्ला 9239, आई यू टोयोटा लवर और होंडा? होंडा वे को मैं प्रेफर करता हूँ। मोर स्टोरी टाइम्स वी एंजॉय, इन्होंने दोबारा लिखा है इंशाल्लाह ताला। अली 46507, बेस्ट 660 इंपोर्टेड कार इन परफॉर्मेंस एक्सक्लूडिंग रीसेल एंड पार्ट्स अवेलेबिलिटी, होंडा S660 जो टू डोर कन्वर्टेबल आती है। What is the next car you are planning to buy? Moment 1624 पूछते हैं। यार preference के अंदर Fortuner, Vigo, Corolla जो 2011 से 2014 वाली थी, Vezel, ये preferences हैं, लेकिन जो अच्छी condition में मिल जाए ढूंढ रहा हूँ, गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं ढंग की। Value for money car in 10 to 15 lakh rupees. अगर पुरानी गाड़ी चल जाती है तो 70 सीरीज लैंड क्रूजर। मोमेंट 1624, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन टोयोटा 1KZ एंड 1KD इंजन? दोनों 3000 सीसी डीजल इंजन है, 1KD नई टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू 1KZ के। मुख्तसरन जवाब ये है। उमर भाई कार शो कराएं। अब्दुस्समद 321 पूछते हैं। जी इंशाल्लाह अब्दुस्समद, मुझे पता है ये हमारा एक डिस्कशन काफ़ी दिन से चल रहा है, करते हैं इसके ऊपर भी कुछ। साद अहमद 1, हे आई हैव बॉट अ निसान ओटी 2011 बट इट्स नॉट गिविंग गुड फ्यूल एवरेज इवन आफ्टर कैट सर्विस। फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर चेक करें, मेक श्योर करें ओरिजिनल हो। कि जो हम लोकल कंपनीज के एयर फिल्टर डालते हैं उसका बेसिकली पेपर थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल एवरेज के अंदर प्रॉब्लम करती है। मस्ट हैव एक्सेसरीज एंड गैजेट्स इन कार? देयर नथिंग इज मस्ट हैव, मतलब लोग XLI भी चलाते हैं बड़े सुकून से, जाने मेहरान में भी घूमते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि मस्ट हैव वाली चीज। कैन 63 कार्स गो टू मरी और अदर नॉर्दर्न एरियाज? अगर हिम्मत हो आप में तो आप बिल्कुल लेके जा सकती हैं, इन गाड़ी के साथ थोड़ा सा जुल्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये गाड़ियाँ बेसिकली शहर के लिए बनी है। राफे मीर 3, उमर भाई वो रीबॉन सेल हो गई है क्या? मेरे ख्याल से उस बंदे के साथ मैंने आपका कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दिए थे, अगर उसने नहीं कॉन्टैक्ट किया तो प्रॉब्लली गाड़ी बिक चुकी है। ग्रैंडे 1.8 मैनुअल ट्रांसमिशन 22 लाख की मिल रही है, 2016 मॉडल, शुड बाय इट? रीसेल बिल्कुल नहीं अच्छी, अगर आपको चाहिए तो ले लें। शेवरले क्रूज कैसी गाड़ी है? अच्छी गाड़ी है, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा आई नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वीगो चैम्प जी को अंदर अगर थाईलैंड मॉडल में कन्वर्ट करना हो तो कितने पैसे लगेंगे? अगर सस्ता काम करना है तो उस पर खाली दरवाज़ों के जो पैनल्स आते हैं थाईलैंड वाले वो डाल दें, आपकी गाड़ी देखने में लगेगी कि थाईलैंड वाली गाड़ी है, तो मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार रुपये के अंदर वो हो जाना चाहिए काम। राफे 1989, सम पीपल से इट्स नॉट राइट टू रन अ 1.3 सिटी और करोला प्योरली ऑन HOBC फ्यूल, एनी थॉट्स? मिक्सिंग कर लें तो बेहतर है। शुड हैविंग CVT अफेक्ट द फ्यूल चॉइस? कैसे? प्रोटोमाइकोटा, इज इट अ गुड आइडिया टू स्वैप स्टॉक 660 जापानीज इंजन इन मेहरान विद ऑटो ट्रांसमिशन? नहीं, लोगों ने किया वैसे ही है,
फरवा कजर पूछती है, आपने अपनी सिविक के स्टीयरिंग स्टिच कहाँ से और कितने का करवाया था, प्लीज शेयर डिटेल्स। जमजमा से कराया था और 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ का कवर था। फिर फरवा कजर पूछते हैं, सिटी 2006 ऑटोमेटिक और सिटी 2009-10 ऑटो में तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए तक का फर्क है, डू यू थिंक इट्स, एक सेकेंड इनका देखना पड़ेगा, डू यू थिंक इट्स वर्थ, के क्यों है अमाउंट स्पेंड करके 10-11 सिटी ली जाए एस प्राइसेस बहुत हाई चल रही हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप जितना नया मॉडल ले सकते हो उतना बेहतर है। 2006 की जो ऑटोमेटिक वाली थी, जो पुराना शेप वाली गाड़ी थी, उसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में थोड़ा सा इश्यूज हैं कि वो आपकी 60 से 70 हज़ार किलोमीटर के बाद वो गियर ओवरऑलिंग मांगती है, जो 25-30 हज़ार रुपये का खर्च है। ये एक मसला है उसके अंदर। बाकी अगर आपका बजट है तो जितनी नई गाड़ी ले सकते हो उतना बेहतर है आपके लिए। अली चौधरी 101, लंबर भाई जो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है उसकी प्राइस डॉलर के साथ इंक्रीज करना जस्टिफाइड है? यार दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, तो क्या कह सकते हैं। हुजैफा 765, हाउ इज एलियन इन टर्म्स ऑफ रीसेल, और इट्स अ 2006 मॉडल 18 1.899 के, ड्रिवन गुड फॉर 1450। यार एलियन और प्रीमियो बेसिकली सेम गाड़ी हैं, जैसा पासो और विट्स बहुत हद तक सिमिलर गाड़ी हैं। एलियन और प्रीमियो काफ़ी ज़्यादा सेम गाड़ी हैं। प्रीमियो के मुकाबले में एलियन की कीमत आपको थोड़ी सी कम मिल जाती है और आपकी बिकते हुए भी थोड़ी सी कम प्राइस में बिकती है, तो जो आपको सस्ते का फायदा मिलता है वही आगे चल के आप सस्ते में बेचते भी हैं। मोहम्मद पूछते हैं, मार्क एक्स 250 जी और सिविक रीबर्थ, सिविक बेहतर है मेंटेनेंस पार्ट्स रनिंग कॉस्ट हर लिहाज से? बेस्ट सर अदील अली, बेस्ट यूज 3-डोर 4x4 इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट, आर पेजेरो 3 डोर्स रिलायबल? बिल्कुल रिलायबल हैं, प्राडो बेहतर है। मिस्टर मोहसिन 110, एवरेज फ्यूल एवरेज रिबॉन टू मैनुअल, 10-11। काशिफ जहूर अजीज 11, रीबर्थ ओरियल टू प्रोस्मेटिक प्राइस अंडर 90K किलोमीटर ड्रिवन, डिपेंड करता कौन सा मॉडल है, 22 लाख रुपए से 27 लाख रुपए के दरमियान। उमेर असलम 77, हाउ कैन आई सी व्हीकल विच यू आर सेलिंग एडिशनली, आई वॉन्ट 9th जनरेशन सिविक प्रेफरेबली 2015। आप गाड़ियाँ देखने के लिए जो बैम व्हील्स का क्लासिफाइड एड्स का फेसबुक के ऊपर के ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ पोस्ट होती हैं। बस यही इतना ही आज तक के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दिए होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, चीज़ें सब खुल गई हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।